Hello students, good morning. How are you? Yesterday we have discussed about noun gender chapter. Okay, kal apan ne noun gender chapter padha. Have you seen video of gender chapter? I hope you have seen video and you have read chapter of gender chapter. ठीक है, आपने वर्क भी कर लिया होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लाइक मम्मी पापा भाई बहन लड़का लड़की ऑल आर जेंडर्स. ठीक है, ये सभी नाउन्स हैं जो जेंडर्स होते हैं. अपन ने कल देखा जेंडर्स फोर टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट मैस्कुलिन, फेमिनाइन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल. मैस्कुलिन डिनोट्स करता है मेल पर्संस के लिए और फेमिनिन डिनोट करता है फीमेल पर्सन के लिए. ठीक है, कॉमन वी कैन यूज इन बोथ बॉय और गर्ल. वी कैन यूज फॉर मेल और फीमेल. कॉमन दोनों के लिए यूज होता है. मोस्टली इसमें आते हैं हेल्पर्स. ठीक है, फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वी कैन यूज न्यूट्रल जेंडर, लाइक टेबल, चेयर, बेड, ओके, फोन. दीज आर द न्यूट्रल जेंडर. अब अपन वी विल डू एक्सरसाइज एंड वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज. अपन ने कल पढ़े, टाइप्स पढ़े कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर. फिर अपन ने रूल्स पढ़े, उसमें थ्री रूल्स आपने पढ़े थे. ठीक है, फर्स्ट रूल पढ़ा था सिंपल, जब व्हेन वी कन्वर्ट मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन जेंडर तो वी हैव टू अप्लाई ओनली ई डबल एस. जब अपन मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं तो वी हैव टू अप्लाई ओनली ई डबल एस. सेकेंड रूल पढ़ा था कि स्लाइटली स स्पेलिंग्स में चेंजेज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है एंड वी हैव टू अप्लाई ई डबल एल, लाइक बैरन बैरनल. ओके, स्पेलिंग सेम, हॉस्ट हॉस्टेस, दिस इज द ई डबल एल. दिस इज़ द रूल फॉर ई डबल एस. जहाँ अपन ई डबल एस अप्लाई करते हैं, सिंपल सेम स्पेलिंग्स होती है, उसमें ई डबल एस अप्लाई करना पड़ता है. सेकेंड रूल था एडिंग ई डबल एस आफ्टर ऑल्टरिंग द स्पेलिंग्स ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. कुछ स्पेलिंग्स में चेंजेज होता है थोड़ा बहुत, लाइक टाइगर की स्पेलिंग होती है टी आई जी ई आर, बट वैन वी कन्वर्ट इन टू फेमिनिन जेंडर तो वी हैव टू स्लाइटली चेंज, लाइक टी आई जी आर ई डबल एस. क्या स्किप कर दिया इसमें, ई स्किप कर दिया, ई हटा दिया गया है. टी आई जी आर ई डबल एस इज द वैन वी कन्वर्ट इन टू फेमिनिन जेंडर. वेटर W A I T E R, waiter. W A I T, okay. ये स्पेलिंग ली, इसमें भी आप देखेंगे क्या स्किप कर दिया गया, इसमें स्किप कर दिया गया ई, ओके. और लास्ट में जब when we convert into feminine gender, so we have to apply E double S. ओके, यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड. कुछ वर्ड्स अपन ने ऐसे पढ़े थे जो बिल्कुल चेंज होते हैं, लाइक ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सर, मैडम, बॉय, गर्ल, नेफ्यू, नीज. दीज आर द एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, बिल्कुल चेंज वर्ड्स होते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. Change the underlined nouns from masculine to feminine gender. अपने को चेंज करना है पुलिंग से, अपने को चेंज करना है स्त्रीलिंग में. हिंदी में बोलते हैं मस्कुलिन को पुलिंग, फेमिनिन को बोलते हैं स्त्रीलिंग. ठीक है,
अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज नाउन इन दिस सेंटेंस. द बॉय केम फर्स्ट इन क्लास. ओके, तो बॉय इज विच नाउन? मैस्कुलिन नाउन. वी हैव टू चेंज इन टू फेमिनिन नाउन. द बॉय, तो बॉय की जगह क्या हो जाएगा? द गर्ल केम फर्स्ट इन क्लास. सेकेंड सेंटेंस, द मैन केम इन द इवनिंग. मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत. तो अंडरलाइन वर्ड को वी हैव टू चेंज, मैन का हो जाएगा वुमेन. द वुमेन केम इन द इवनिंग. आर नेफ्यू वेंट टू दिल्ली. नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा भी होता है, नेफ्यू मीन्स भांजा भी होता है. नेफ्यू का फेमिनिन होता है नीस. आर नीस वेंट टू दिल्ली. द वेटर वॉज वेरी कॉर्डिनल. द वेट्रेस वॉज वेरी कॉर्डिनल. फर्स्ट फिफ्थ सेंटेंस वी विल से, द किंग इज राइडिंग अ हॉर्स व्हाइल द प्रिंस इज प्लेइंग अलोन. इन दिस सेंटेंस देर आर थ्री नाउन्स मस्कुलिन जेंडर. किंग, हॉर्स, प्रिंस. ओके, किंग कन्वर्ट इंटू क्वीन, हॉर्स कन्वर्ट इंटू मेयर, प्रिंस कन्वर्ट इंटू प्रिंसेस. द क्वीन इज राइडिंग मेयर व्हाइल द प्रिंसेस इज प्लेइंग. ओके, पहले तो अपन ने ऊपर वाली सी एक्सरसाइजेज में देखा कि यू हैव टू चेंज मस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर्स. पुलिंग को आपको चेंज करना था स्त्रीलिंग में. अपन अब इस वाले डी एक्सरसाइज में वी विल सी चेंज द अंडरलाइन नाउन फ्रॉम फेमिनिन टू मस्कुलिन जेंडर. आपको अंडरलाइन वाली जो नाउन्स हैं उनको चेंज करना है. स्त्रीलिंग है उसको आपको चेंज करना है पुलिंग में. यहाँ पे देखिए गर्ल का हो जाता है बॉय. द बॉय इज वेटिंग फॉर हर मदर. ओके, द बॉय इज वेटिंग फॉर हर फादर. ये दोनों फेमिनिन है, गर्ल एंड मदर. तो वी हैव टू चेंज इन मस्कुलिन जेंडर. गर्ल का हो गया बॉय, मदर का हो गया फादर. द क्वीन लव द पी हैन. ओके, क्वीन का हो जाएगा किंग, पी हैन का हो जाएगा पी कॉक. मीन्स मोर, मोरनी. राजा, रानी. ओके, द किंग लव द पी कॉक. द प्रिंसेस हैड अ मेयर. देर आर टू जेंडर इन दिस सेंटेंस. Princess convert into prince, mare convert into horse. Sentence is, the prince had a horse. Fourth sentence, the milkmaid gave us milk. Okay, milkmaid means gwalin, milkman means gwala. Okay, so we have to convert milkmaid word into feminine gender. Milkmaid, milkman. द मिल्क मैन गेव अस मिल्क. फिफ्थ, द वॉशर मैन, द वॉशर वुमैन वॉश्ड क्लोथ. वॉशर वुमैन मीन्स धोबन और वॉशर मैन मीन्स धोबी. तो द वॉशर मैन वॉश्ड क्लोथ. ओके, द डो वॉज हॉट. द डू वॉज हर्ट. मीन्स ये डो एंड बक वी यूज फॉर हंस एंड नर हंस एंड मादर. मेल और फीमेल के यूज करते हैं डो एंड बक. ओके, तो डो कन्वर्ट इन टू बक. द बक वॉज हर्ट. We have completed these exercises. You have to do in your book and notebook. Complete your book, complete your work neatly. And after all, we will discuss about genders and new chapter tomorrow and next class. So you have to learn and write in your book and notebook. Okay.
Are you enjoying these studies? You should to enjoy, you should to pay attention towards your studies. Okay, all the best. Thank you.